रोहतक के विजयनगर कॉलोनी में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हुई 3 राउंड फायरिंग। केबल का काम करने वाले आशीष ने अपने ही छोटे भाई पर की फायरिंग। कुछ दिनों पहले विवाद के चलते अनुराग ने छोड़ दिया था घर। रोहतक की विजयनगर कॉलोनी में केबल ऑपरेटर ने प्रॉपर्टी विवाद को लेकर अपने छोटे भाई और पिता पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। बताया जा रहा है कि पीड़ितों ने दरवाजा बंद कर अपनी जान बचाई, वहीं आरोपी ने 3 राउंड फायर किए। गनीमत यह रही कि किसी भी व्यक्ति को गोली नहीं लग पाई। वहीं पीड़ित बुजुर्ग सुनीता का कहना है कि आशीष और अनुराग नाम के उसके 2 बेटे हैं, दोनों ही केबल का काम करते हैं। कुछ दिन पहले आशीष और अनुराग के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद अनुराग अपने बच्चों समेत घर से चला गया था और दूसरी जगह पर जाकर रहने लगा। आज जब अनुराग हमसे घर मिलने आया तो आशीष को अनुराग का घर आना अच्छा नहीं लगा और उसने अनुराग पर फायरिंग कर दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि यहां पर फायरिंग हुई है। मौके पर जाकर जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस के अनुसार किसी को भी गोली नहीं लगी है। कुछ नहीं, उनका झगड़ा हो गया, फिर फायरिंग भी हुई। हाँ हुई है जी। तो किस बात का झगड़ा था जी, कौन आया था, किस बात का झगड़ा? कुछ नहीं, तो बस आगे चाय पी रहा था, कोई बात नहीं, बढ़ना ही चाहिए बस। कौन था, किसके पास आया? आशीष ना कहा था, मम्मी पापा पास आया था। अच्छा, तो उन्होंने कहा बढ़ना नहीं चाहिए, आशीष बोलेगा था। तो किसी को लगी तो नहीं गोल? ना लगी किसी को नहीं। ये हमें सूचना मिली थी, ये बाग वाली गली के पास एक घर में फायर हुए हैं, तो उसकी सूचना मिलने पर हम मौके पहुँचे यहाँ पे। यहाँ पे एफएसएल टीम बुलाई गई है, जांच पड़ताल करवाई गई है मौके की, जो कंप्लेंट देंगे उसके हिसाब से कार्रवाई कर देंगे। खाली खोल मिले सर? जी सर, 2 खाली खोल मिले, 1 सिक्का मिला है यहाँ पे।